मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर अगला लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। और 3 लेक्चर से नाम सुनते आ रहे हैं हम लोग, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व अभी तक कोई दिखाई नहीं पड़ा। बात वही हुई कि जिसकी शादी है, दूल्हा तो आया ही नहीं, बाराती पहले पहुंचे हुए हैं। तो आज दूल्हे का स्वागत है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। आज का भी लेक्चर छोटा सा, ये बिल्कुल वही हुई जापानीज टेक्नोलॉजी। जापान में लोग क्या करते हैं कि बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और फिर वो बड़ा काम भी आसान हो जाता है। तो उसी पैटर्न पे हम लोग भी लगे हुए हैं। आज हमारा मन लेक्चर बनाने का नहीं था, लेकिन जो लेक्चर्स के व्यूज हैं उसको देखते हुए हमने डिसाइड किया कि आज एक लेक्चर और बनाया जाए। पीछे की लाइटिंग की ये था कि कुछ लोग कह रहे थे कि लाइटिंग की समस्या है। तो कोई बात नहीं, आपको मैटर पूरा दिखना चाहिए। आज हमने एक बल्ब और आगे लगाया है, लेकिन हमारी परछाई आ रही है, बट आपको कंटेंट्स पूरे ही दिखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। आज जो पढ़ना है, दो चीजें, वीम्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एक है वीन्स लॉ, एक है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? वीन ने थर्मोडायनेमिकल कंसिडरेशन से ये बताया कि जो लैम्डा एम है, लैम्डा एम क्या है मैंने आपको बता दिया है, लैम्डा एम भी लिखते हैं, लैम्डा मैक्स लिखते हैं, लेकिन लैम्डा मैक्स कोई मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, ये है वेवलेंथ एट मैक्सिमम एनर्जी। ये लैम्डा एम जो है, लैम्डा मैक्स है, लैम्डा मैक्स और टाइम, इन दोनों का प्रोडक्ट, सॉरी टाइम नहीं, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। कैसे होता है? अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व में ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे जैसे लैम्डा मैक्स डिक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, या कह सकते हैं कि ज्यादा टेम्परेचर पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू घटती जाती है, कम टेम्परेचर पर ये वैल्यू ज्यादा होती है। तो एक बढ़ता है, एक घटता है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। पहले हम लोग इस लॉ का डेफिनेशन लिख लें, फिर कर्व खींचते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? वेवलेंथ। कौन सा वेवलेंथ? एट मैक्सिमम एनर्जी या करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी। इसको मैक्सिमम वेवलेंथ मत बोल देना, इसको हम लैम्डा मैक्स लिखेंगे। एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन कह सकते हो, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। दैट इज लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? कॉन्स्टेंट है। किसका? लैम्डा मैक्स और टी, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। कैसे? अभी कर्व से हम लोग देखते हैं, क्लियर करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर आइए कर्व पर। अगली हेडिंग हमारी क्या होगी? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व।
या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कह सकते हैं उसको, आइदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, और क्या, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये क्या है, इसमें एक लाइन लिख लीजिए आप, मैं डिक्टेट ही कर दे रहा हूं। इट इज ए कर्व बिटवीन एनर्जी ऑफ रेडिएशन ई लैम्डा एंड वेवलेंथ लैम्डा, क्योंकि चाहे विंस ला था फार्मूले में आपने देखा, चाहे रेले जीन्स ला था, चाहे प्लांक्स ला ऑफ रेडिएशन था, इन तीनों में जो एनर्जी थी वो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही थी, तो वेवलेंथ चेंज करने पर एनर्जी ऑफ रेडिएशन चेंज हो जाएगी, इसलिए इन दोनों में जो ग्राफ खींचा गया एनर्जी ऑफ रेडिएशन ई लैम्डा और वेवलेंथ लैम्डा में, उसे ही बोला गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। तो लिख लेते हैं कि इट इज ए कर्व बिटवीन एनर्जी ऑफ रेडिएशन ई लैम्डा एंड वेवलेंथ लैम्डा। नोट कर लीजिए सेंटेंस, इट इज ए कर्व बिटवीन एनर्जी ऑफ रेडिएशन ई लैम्डा एंड ई लैम्डा, ऐसे दिखाएंगे आप सीख लिए आप, एंड वेवलेंथ लैम्डा। ठीक, और कर्व में ड्रा करने जा रहा हूं अलग अलग टेम्परेचर पर। इधर एनर्जी ऑफ रेडिएशन लाइन टेढ़ी हो रही है, इधर वेवलेंथ ले लिया लैम्डा और इधर एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन ई लैम्डा। अलग अलग टेम्परेचर पर पहला कर्व ड्रा किया गया 904 पर, फिर 1095 केल्विन पर, हम इसको डॉटेड लाइन ऐसे बना लें, ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी, अगला टेम्परेचर आपका 1095 केल्विन, फिर 1259, 1469 कम होता जाएगा लैम्डा, ऐसे लिखेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, यही आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है। इन 904 केल्विन पे है, 1095 केल्विन पे है, 1259 केल्विन पे, 1469 केल्विन, 1646 केल्विन, अलग अलग टेम्परेचर पर है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है। एक चीज और हमको ध्यान देना है कि थोड़ा पहले जो ज्यादा फ्लैट है, फिर थोड़ा सा श्रिंक है, फिर और ठीक है, फिर साथ में ये और ऐसे गिरेगा, ये ऐसे भी कर सकते हैं।
इसको और ऐसे कर सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एरिया कर्व का बढ़ता जाएगा, बस ये ध्यान देना आपको, ठीक है। बेसिकली आप जो है इसको ऐसे चाह सकते, ऐसे भी कर सकते हैं, कर्व का एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा। फिर टेम्परेचर आपके शिफ्ट हो जाएंगे, मैं शिफ्ट कर दे रहा हूं 1095 केल्विन, 1259 केल्विन, 1469 केल्विन, 1646 केल्विन। ओके, ये ड्रा कर लीजिए। अब इसी कर्व को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशंस। तो सबसे पहले तो यही एक्सप्लेन हो जाएगा, उसके पहले चीज और, पहले क्या है, शुरू में जब लैम्डा आपने इंक्रीज करा, एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या होता है, इंक्रीज करेगा एक सर्टेन लैम्डा पर, सर्टेन वेवलेंथ पर एनर्जी ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम हुआ। फिर इसके बाद क्या है, फिर एनर्जी ऑफ रेडिएशन डिक्रीज कर रहा है, और ये एक ही टेम्परेचर पर नहीं हो रहा है, अगले पर भी हो रहा है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन ने इंक्रीज करा मैक्सिमम, फिर डिक्रीज करा, फिर इंक्रीज करा मैक्सिमम, फिर डिक्रीज करा। तो जहां पर एनर्जी ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम हुआ हर बार, उसे क्या बोलेंगे, लैम्डा मैक्स, वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। इस लैम्डा मैक्स के नीचे जो वेवलेंथ है उसे आप बोल सकते हो लोअर वेवलेंथ रेंज। इसके ऊपर है हायर वेवलेंथ रेंज, किसके ऊपर, लैम्डा मैक्स के ऊपर, ये लैम्डा मैक्स ग्राफ था, ठीक है। लोअर वेवलेंथ रेंज पर कर्व क्या फॉलो करता है, वीन्स लॉ, और हायर पर क्या फॉलो करता है, पिछले लेक्चर की बात है, रेले जीन्स लॉ। तो सारी बातें हम लिख लेंगे, इनिशियली वेवलेंथ इंक्रीज करने पर एनर्जी इंक्रीज करती है, फिर एट ए सर्टेन वेवलेंथ ही मैक्सिमम होती है, उसे बोलेंगे लैम्डा मैक्स, इसे वेवलेंथ को। लैम्डा मैक्स के बाद जब फिर हम वेवलेंथ इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी डिक्रीज करती है। लैम्डा मैक्स के नीचे वेवलेंथ रेंज क्या कहलाता है, लोअर वेवलेंथ रेंज, एंड कर्व फॉलोज वीन्स लॉ। लैम्डा मैक्स के ऊपर क्या कहलाएगा कर्व, वेवलेंथ क्या कहलाएगा, हायर वेवलेंथ रेंज, और कर्व क्या फॉलो करता है, रेले जीन्स लॉ, ठीक है। फिर क्या बताओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे लैम्डा मैक्स वैल्यू घटती जा रही है, यहां पर है, फिर और पहले शिफ्ट होया, और पहले शिफ्ट हो गया, और पहले शिफ्ट हो गया, यानी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा तो लैम्डा मैक्स इंक्रीज कर रहा है, और इधर अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो लैम्डा मैक्स डिक्रीज कर रहा है, सच दैट लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये क्या है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी कर बता रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो लैम्डा मैक्स क्या हो रहा है, इधर शिफ्ट होता जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि लैम्डा तो इधर डिक्रीज करेगा ना, तो लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगली बात क्या है कि जब लैम्डा टेंस टू जीरो ओरिजिन की तरफ आएंगे तो एनर्जी भी क्या है, जीरो को टेंड कर रही है, एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है, लेकिन जब लैम्डा टेंस टू इनफाइनाइट, इधर इनफिनिट जा सकता ना, इधर क्या कहां जा सकता है, टिल इनफाइनाइट, तो भी एनर्जी क्या है, ई टेंस टू जीरो,
अब जो एनर्जी है वो ये जो कर्व है इसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया कैसे वेरी कर रही है, टेम्परेचर के पावर फोर में। एक एक कर्व की एरिया निकाली जाए तो टेम्परेचर पावर फोर वाले वेरी कर रही है। तो एक ला और आपको हमने नहीं पढ़ाया है, जो है भी नहीं आपके सिलेबस में बीटेक में, ठीक है, ई प्रोपोर्शनल टू टी का पावर फोर। क्योंकि एनर्जी ऑफ रेडिएशन और क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर फोर, इसे बोलते हैं स्टीफंस लॉ। तो सारे लॉज को एक्सप्लेन कर दे रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, इट इज एक्सपेरिमेंटल कर्व। ठीक, तो वन बाय वन करके हम लोग एक्सप्लेन कर लें। पहला है कि इनिशियली एनर्जी ऑफ रेडिएशन ई लैम्डा इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। शुरू में क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। एट ए सर्टेन वेवलेंथ, एट अ सर्टेन वेवलेंथ एनर्जी ई लैम्डा बिकम्स मैक्सिमम। दिस वेवलेंथ इज नोन एज लैम्डा मैक्स। आफ्टर लैम्डा मैक्स एनर्जी फर्दर डिक्रीजेज, एनर्जी फिर डिक्रीज करने लगेगी। एनर्जी फर्दर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन लैम्डा। जैसे लैम्डा इंक्रीज करेगा वैसे ही एनर्जी फिर से डिक्रीज करने लगेगी। ठीक है, अब बताएंगे ये वाली बात कि लैम्डा मैक्स के नीचे क्या है, वेवलेंथ कहलाएगा लोअर वेवलेंथ रेंज, और कर्व क्या फॉलो करेगा, बीन्स ला। ये दूसरी बात हो गई। बिलो लैम्डा मैक्स द वेवलेंथ रेंज इज नोन एज लोअर वेवलेंथ रेंज। एंड कर्व फॉलोज वीन्स लॉ। अगली बात क्या है, लैम्डा मैक्स के ऊपर क्या कहलाएगा, हायर वेवलेंथ रेंज, और कर्व क्या फॉलो करेगा, रेले जीन्स लॉ। एबव लैम्डा मैक्स द वेवलेंथ रेंज इज नोन एज हायर वेवलेंथ रेंज एंड कर्व फॉलोज रेले जीन्स ला।
इतनी बातें हो गई। अगली बात हम बताते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में, कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लैम्डा डिक्रीज करता जाएगा, लैम्डा नहीं लैम्डा मैक्स, तो लैम्डा मैक्स इंटू टी क्या होगा, कॉन्स्टेंट, और यही तो क्या है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एच टेम्परेचर टी इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स डिक्रीजेज सच दैट, कि एक जितना बढ़ा दूसरा उतना घट गया, तो लैम्डा मैक्स इंटू टू क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैंने ऐसे लिख दिया, और ये क्या है दिस इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दिस इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। रिक कर्व ना रफ करके मैं इधर रफ कर रहा हूं, अगला पॉइंट यहां लिखता हूं। अगला पॉइंट ये है आपका एच लैम्डा टेंस टू जीरो, एनर्जी भी क्या है ए लैम्डा टेंस टू जीरो, एंड एच लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी ए लैम्डा टेंस टू जीरो, ठीक। सिक्स पॉइंट हम आपको नहीं लिखा रहे हैं या लिखवा ही देते हैं, कि जो एनर्जी है वो कर्व के एरिया पे डिपेंड करेगा, और एरिया कैसे वेरी कर रहा है टेम्परेचर के फोर्थ पावर में, सो ई प्रोपोर्शनल टू टी का पावर फोर, एंड दिस इज स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, ये सेंटेंस आप बना लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं इसको लिखना, स्टीफन्स लॉ जब है ना लिखना जरूरी नहीं है। कैसे लिखोगे, एनर्जी ऑफ रेडिएशन ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कर्व एंड एरिया ऑफ कर्व क्या है प्रोपोर्शनल टू टी का पावर फोर, ई क्या है प्रोपोर्शनल टी का पावर फोर या इक्वल टू सिग्मा टी का पावर फोर, दिस इज स्टीफन्स लॉ, यही क्या है स्टीफन्स लॉ। तो इतने पॉइंट्स हैं, होप आपने नोट कर लिया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं, आज का आगे चलता रहेगा, और शायद आज आपको विजिबिलिटी अच्छी आई हो, बस एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर थोड़ा सा शेड आ रहा है, तो इसको हम देखेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।